तो यार अभी की जो बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन से रिलेटेड, वो ये है कि ये मूवी रामायण पर बेस्ड होने वाली है। अब हाँ यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब अगर यकीन नहीं होता है तो आप ये देखो, न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इसके ऊपर आर्टिकल्स छाप रखे हैं, जिसमें एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, नव भारत एंड हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी है। और जब इस मूवी के कुछ पोस्टर सामने आए जिसमें एक रणवीर सिंह के सिम्बा का भी था, तो यार उसने तो इस चिंगारी को और भी ज्यादा हवा देकर आग में बदल दिया। मतलब यार ये पोस्टर रणवीर सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था, एंड यार इसमें हम बैकग्राउंड में साफ साफ देख सकते हैं कि हनुमान जी की फोटो है। तो अब आखिर ऐसा क्यों किया गया, मतलब इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्या सच में सिंघम अगेन रामायण पर बेस्ड होने वाली है? तो यार आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, मतलब आखिर सिंघम अगेन की स्टोरी क्या होने वाली है। तो चलो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पर यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मतलब यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार कर देना, क्योंकि यार ये आपके लिए फ्री है पर हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज यार कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार सिंघम अगेन मूवी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिफ्थ मूवी एंड सिंघम फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है, जो कि अगले साल यानी 2024 को 15 अगस्त के दिन आने वाली है। अब इस मूवी में अजय देवगन के सिंघम के अलावा रणवीर सिंह का सिम्बा एंड अक्षय कुमार का सूर्यवंशी भी नजर आने वाला है, पर इन तीनों से परे तीन और नए कैरेक्टर्स इस मूवी में जुड़ने वाले हैं, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण एंड विकी कौशल। अब दीपिका पादुकोण एंड टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को तो कंफर्म कर दिया गया है कि दीपिका पादुकोण शक्ति शेट्टी एंड टाइगर श्रॉफ एसीपी सत्या के रोल में नजर आने वाला है, पर विकी कौशल के रोल को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि इस मूवी में उनका क्या रोल होने वाला है। पर यार इतनी ज्यादा बड़ी मैसिव स्टार कास्ट को भी देखकर कई लोग ये अटकलें लगाने लग गए हैं कि ये मूवी रामायण पर बेस्ड होने वाली है। अब एग्जैक्टली ये अफवाह उड़ना तब शुरू हुई जब रणवीर सिंह ने अपना एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें वो अपने सिम्बा के अवतार में थे एंड उनके बैकग्राउंड में हनुमान जी की फोटो थी। मतलब तब फैंस ये थ्योरी बनाने लग गए कि ये मूवी रामायण पर बेस्ड होने वाली है। अब ये सोचकर ज्यादा हैरान मत होना कि रामायण तो त्रेता युग में हुई थी, तो आखिर ये मॉडर्न डे की सिंघम को उसमें कैसे एग्जिस्ट करा सकते हैं? तो नहीं यार ऐसा नहीं है कि ये मूवी पूरी तरह से रामायण पर बेस्ड होने वाली है जैसे कि आदिपुरुष थी, बल्कि यार इसका मतलब ये है कि इस मूवी में रामायण से इंस्पायर्ड होकर कुछ सीन्स को शूट किया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की रावण मूवी में उसके विलन के नाम को लंकापति रावण के नाम पर रखा गया था, एंड वो लास्ट की फाइट वाला सिक्वेंस भी रामायण से इंस्पायर्ड था, जिसमें रामायण में भी जो फाइनल बैटल होती है तब लंकापति रावण अपने 10 सर उगा लेता है। अब उसी तरह से रावण मूवी का भी रावण अपने 10 रूप बना लेता है। तो अब ये एग्जैक्ट रामायण नहीं है पर इंस्पिरेशन रामायण से ही ली गई है। अब इसी तरह से सिंघम अगेन में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यार स्टोरी तो इसकी सूर्यवंशी मूवी में ही कंफर्म कर दी गई थी। मतलब उस मूवी के लास्ट में जब अजय देवगन को ये पता चलता है कि जो भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में हो रहे हैं उसके पीछे ओमर हफीज नाम के एक पाकिस्तानी का हाथ है प्लेड बाय जैकी श्रॉफ, तो वो उसे खुद वहाँ पाकिस्तान में आकर पकड़ने की बात कहता है। मतलब हाँ यार ये मूवी कुछ अपने सलमान भाईजान की टाइगर फ्रेंचाइजी की तरह होने वाली है, जिसमें टाइगर दूसरे देश में जाकर वहाँ के एक टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करता है। अब इसीलिए इस मूवी में एक बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट को कास्ट किया गया है। मतलब हाँ ये मूवी एक इंटरनेशनल लेवल की मूवी होने वाली है, जो कि 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी हो सकती है, क्योंकि यार बंदा जो इस मूवी को कर रहा है यानी अजय देवगन, वो भी आजकल शाहरुख खान की तरह कुछ चुनिंदा मूवीज को ही कर रहा है। एंड यार अपने फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी यानी सिंघम 2 से लेकर सिंघम 3 तक के बीच में उसने कई मूवीज को फ्लॉप और हिट होते हुए देखा है, तो उसे पता है कि ऑडियंस किस तरह की मूवी देखना पसंद करती है। एंड एक और बात जिस कारण हाल फिलहाल की कई बड़ी मूवीज फ्लॉप हो रही है यानी बीएफएक्स के कारण, आप अजय देवगन की पिछले कुछ सालों की किसी भी मूवी को उठाकर देख लो, उसमें और कुछ परफेक्ट होना हो पर बीएफएक्स एकदम टॉप नॉच के होते हैं। अब अजय देवगन की लगभग मूवीज में उनकी खुद की बीएफएक्स कंपनी एनवाई बीएफएक्स वाला बीएफएक्स देती है। अब फॉर एग्जांपल आप तानाजी एंड शिवाय जैसी बड़ी मूवीज को ही ले लो, मतलब उनमें इसी कंपनी ने अपने बीएफएक्स दिए थे एंड सिंघम अगेन में भी यही मूवी दे रही है। तो अफवाहों से परे मैं पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार आप इसकी स्टार कास्ट को देखो, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ एंड कई और बड़े एक्टर्स। तो कहीं ये ना हो कि रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स के लिए एक अलग ही देसी अवेंजर्स की टीम बना रहे हो। अब यार आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार अगर ये जानना चाहते हो कि नितेश तिवारी की रामायण में राम, सीता, हनुमान जी एंड रावण के बाद आखिर लक्ष्मण के कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा, तो यार वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।